स्वागत है आपका न्यूज आईटी में। मैं आपके साथ आप लोग के साथ आई नजर डालते हैं फुलेरा की। आपको बता दें कि फुलेरा के अंदर महिला कृषि पर्यवेक्षक का ऑफिस में शव मिलने से सनसनी फैल गई। साथ ही गुस्साए लोगों ने थाने के सामने शव को रख करके हंगामा भी किया। जोबनेर में कल बुधवार को महिला कृषि पर्यवेक्षक का बुधवार सायं कृषि विभाग के कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका जोबनेर के खटीको का मोहल्ला निवासी संगीता बागड़ी है। मृतका के फोन से वायरल हुए लेटर के बाद विभाग के अधिकारियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। पता लगते ही परिजन भी मौके पर पहुंचे और थाने के सामने गाड़ी में शव रखकर करीब 2.5 घंटे तक जाम लगा दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हत्या और आत्महत्या का मामला स्पष्ट हो पाएगा। परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतका के भाई हरीश बागड़ी ने जोबनेर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। उसने रिपोर्ट में आरोप लगाया कि शायद कृषि अधिकारी शिवराम जीतरवाल व कृषि पर्यवेक्षक आशा चौधरी ने गला दबाकर संगीता की हत्या की है। सहायक कृषि अधिकारी उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करता था और अनुसूचित लाभ उठाने की नीयत से प्रताड़ित करता था। इस कार्य में कृषि पर्यवेक्षक भी उसकी मदद करती थी। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों व मोहल्ले के लोगों ने थाने के सामने कार में शव रखकर जोबनेर जयपुर मार्ग जाम कर दिया। इस दौरान लोग आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते रहे। लगभग 3 घंटे तक रास्ते को जाम भी रखा गया। करीब 11 बजे तक भी लोगों ने रास्ते को जाम नहीं छोड़ा था। सूचना मिलने पर एडिशनल SP यातायात सुलेश चौधरी, सांबर वृत्ताधिकारी राज कंवर के साथ रेनवाल, सांबर, फुलेरा थानों का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने मौका मुआयना किया और FLL टीम को बुलाया और मौके से साक्ष्य जुटाए। इस खबर में देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।